मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर लाखों रुपए खर्च कर गौशालाओं का निर्माण कराया गया था, लेकिन सोनखेड़ी पंचायत में करीब 38 लाख की लागत से 2019 और 20 में स्वीकृत गौशाला में एक वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी गाय नहीं है और गौशाला लावारिस हालत में पड़ी हुई है। हमारे संवाददाता कमल गर्ग राही ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वस्तु स्थिति को जानना चाहा तो वहां का नजारा कुछ और ही देखने में आया। शासन ने ग्राम पंचायत के माध्यम से 38 लाख रुपया गौशाला के लिए दिए, लेकिन वहां एक वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो पानी की सुविधा है और ना ही बिजली की। गौशाला के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई हैं। गौशाला तक पहुंचने का रास्ता भी काफी दुर्गम है। गौशाला का मुख्य गेट टूटा हुआ पड़ा है। गौशाला में लगे पंखे भी चोरी हो गए हैं। साथ ही निर्मल निरकुआ भी अधूरा पड़ा हुआ है। गौशाला में एक भी गाय नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक के अधिकारी कर्मचारी और पूर्व के सरपंच कितने लापरवाह बने हुए हैं। इस संबंध में ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक नवीन परमार ने कहा कि हमने गो संवर्धन बोर्ड भोपाल को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है, साथ ही बिजली के लिए विद्युत विभाग को भी एस्टीमेट बनाकर भेजा गया है। उधर वर्तमान सरपंच हसन खान का कहना है कि पूर्व के सरपंच द्वारा वहां बिजली पानी तथा रास्ते की कोई सुविधा नहीं की गई है, इस कारण फिलहाल गौशाला चालू करने में हम असमर्थ है। यदि गायों को गौशालाओं में रखे तो वहां पर पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं होने से वहां चौकीदार का रहना भी मुश्किल है। जब तक तीनों सुविधा नहीं हो जाती तब तक गौशाला चालू करना मुश्किल है। देवास जिले के नवागत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों में बनी गौशालाओं में भी देखना चाहिए, जहां शासन का लाखों रुपए खर्च हो चुका है और गौशालाओं में एक भी गाय नहीं है। कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन खान है। कौन सी ग्राम पंचायत के सरपंच हो आप? सोनखेड़ी। ये गौशाला को लेके बताएं आप, क्या समस्या आ रही है उसमें? साहब उसमें पहले तो बिजली की व्यवस्था नहीं है और इसके अलावा वहाँ पानी नहीं है, कुआं अधूरा है, पहले का जो खुदा हुआ है उसमें पूर्ण काम हुआ नहीं है। वर्तमान में जो सरपंच थे उनके हाथ से, और रास्ता पूरा खराब है, रास्ते की कोई व्यवस्था नहीं है, पहाड़ी पे बना हुआ है वो, इस कारण उसको हम चालू नहीं कर पा रहे हैं, अभी समस्या आ रही है उसमें। क्या शुभ नाम है आपका? नवीन परमार। कौन से ग्राम पंचायत में हो? सोनखेड़ी। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ गौशाला की जो राशि है कितनी मंजूर हुई थी और कब हुई थी? ये सर 2019-20 में हुई थी, 38 लाख रुपए लगभग। अच्छा, वर्तमान में गौशाला की क्या स्थिति है? वर्तमान में गौशाला पूर्ण है। गायें कितनी है उसमें? अभी सर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है, गाय नहीं है अभी उसमें गौशाला। और बिजली पानी की क्या व्यवस्था है वहाँ पे? पानी के लिए हमने निर्मल नीर कराया है और बिजली की व्यवस्था अभी नहीं है, एस्टीमेट के लिए हमने बिजली विभाग में दिया है, जैसे आएगा तो उसको कंप्लीट कराएंगे बिजली। अच्छा, गौशाला तैयार हुए कितना समय हो गया? ये गौशाला तैयार हुए लगभग 8-10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए, उसके बाद भी गाय वगैरह यहाँ नहीं है, इसका क्या कारण है? अभी सर अभी गाय अभी नहीं है, जैसे मतलब अभी रजिस्ट्रेशन के लिए हमने भोपाल भेजा था अपने गो संवर्धन बोर्ड में, तो रजिस्ट्रेशन गौशाला का तो आ गया है, अब जैसे ही गायें आएंगी तो उनको रखेंगे। अच्छा, बिजली की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? अभी बिजली की व्यवस्था अभी नहीं है। कारण? अभी एस्टीमेट के लिए दिया है तो वो जैसे ही आए तो अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई। अच्छा, ऐसा बताया गया है कि यहाँ कोई पंखे वगैरह चोरी हुए हैं? हाँ, 3 पंखे पहले चोरी हो गए थे तो उसकी मैंने थाने में रिपोर्ट डाल दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।